हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हूँ ऑटो कैड की एक अच्छी सी ट्रिक के लिए जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई आर्क है उसके ऊपर आप टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हो। आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो कितने टाइप से आप टेक्स्ट को लिख सकते हो, कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, रिवर्स में अगर आपको लिखना है, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना है, हाइट चेंज करनी हो, सारी चीजें आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें होने वाली हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इतनी सारी वे से आप आर्क पे टेक्स्ट लिख सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास ये आर्क्स हैं और इन पे मुझे टेक्स्ट लिखना है। तो आर्क टेक्स्ट के लिए आपको जो शॉर्टकट यूज करनी है वो करनी है आर्क टेक्स्ट, ARCT। अगर आप करोगे तो आप आर टेक्स्ट आ जाएगा, क्लिक करोगे तो आपके पास आर टेक्स्ट का यहाँ पे कमांड स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर मेन्यू बार हाइड हो तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, शो करें मेन्यू बार को और यहाँ पे जाए एक्सप्रेस पे, टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे मिलेगा आर्क अलाइन टेक्स्ट। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो आर्क अलाइन टेक्स्ट को, आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ आर्क टेक्स्ट, सिलेक्ट एन आर्क और एन आर्क अलाइन टेक्स्ट। आप इस पे क्लिक करें अपनी आर्क पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, अपना नाम ही लिखा, चैनल का नेम है जो दीपक वर्मा। अब यहाँ पे है टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है। टेक्स्ट की हाइट बाय डिफॉल्ट 0.425 होती है, बाद में चेंज कर सकते हैं या अभी चेंज कर सकते हो। पहले चलो इतना ही करते हैं। टेक्स्ट हाइट हमने 0.425 रखी। विड्थ फैक्टर 1 है। विड्थ फैक्टर है जो आपके टेक्स्ट की विड्थ है, आपको कम करनी है ज्यादा करनी है, बाय डिफॉल्ट रखें इसे भी। आर्क ऑफसेट, ऑफसेट फ्रॉम आर्क, आर्क से कितना ऊपर कितना नीचे, आर्क और टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है वो यहां से मेंशन होता है। ऑफसेट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितना ऑफसेट, राइट से कितना ऑफसेट, ये हम करेंगे पहले। अब नॉर्मल हम काम करते हैं। ये मैंने लिया, अरे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो अब जैसे कि आप देख पाएंगे आपका आर्क पे टेक्स्ट आ गया। जब यहाँ पे टेक्स्ट आया, आप इस टेक्स्ट की हाइट को अगर इंक्रीज करना चाहे तो अब आप कैसे कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो राइट में प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा। अगर प्रॉपर्टी ऑप्शन ना आए तो आप PR एंटर कर सकते हो फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ जाएगा, सिलेक्ट करो। यहां से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, यहां से टेक्स्ट की हाइट को चेंज कर सकते हो। 0.425 है, आप इसे 1 करोगे एंटर तो आपका टेक्स्ट की हाइट 1 हो जाएगी, क्लियर। 2 करोगे टेक्स्ट की हाइट 2 हो जाएगी, वो इस तरीके से आएगा। 3 अगर करोगे तो टेक्स्ट आपस में ओवरलैप हो जाएगा, तो उतना रखे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसे यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे विड्थ फैक्टर जो हमने उसमें देखा था, अभी यहां से चेंज करते हैं, फिर वहां से दिखाऊंगा कि वहां से किस तरीके से कर सकते हो। तो विड्थ फैक्टर पे 1 है, अगर 2 करते हो तो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम 1 ही रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद नीचे अगर पोजिशन पे आप जाओगे, सेंटर एक्स सेंटर वाई कितना रखना है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम रेडियस को छेड़ सकते हैं, रेडियस है 503 का। अगर मैं इसके रेडियस को 600 कर देता हूं तो अब आप देखोगे जो आर्क और टेक्स्ट के बीच का ऑफसेट इंक्रीज हो जाता है, ये रेडियस आपका बढ़ जाएगा इस आर्क का, ठीक है। तो मैं इसको उतना ही रखता हूं, मान लो 500 मैंने लिया है यहाँ पे। उसके बाद है स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल है कि यहां से अब आपका एंगल की अगर मैं बात करूं तो जो एंगल आपके यहाँ पे 0 होता है, ऊपर 90, लेफ्ट में 180, जो ए आपका स्टार्ट हुआ है वो 21 डिग्री के एंगल से स्टार्ट हुआ है। अब अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, ये इसका सेंटर है तो ये 21 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसका एंगल दिखाऊं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिया टी ए एन एंगुलर, तो ये देखो 22-21 डिग्री के अराउंड है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से 21 को मैं 0 कर देता हूं तो आप देखोगे जो आपका टेक्स्ट है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका स्टार्ट का एंगल हुआ, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं इसको क्लिक करके यहां पे मैं कर देता हूं 30 डिग्री के एंगल से स्टार्ट हो तो वो 30 डिग्री के एंगल से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां पे क्लिक करके यहां पे आता हूं इस टेक्स्ट पे, ये मैं क्लिक करता हूं यहां पे, तो अब आप देख पाओगे अगर मैं एंगल डालू इसका डी ए एन, तो ये वाला एंगल जो आपका हुआ तो वो देखोगे आप 30 डिग्री का एंगल है, तो वो 30 डिग्री के एंगल से वहां से स्टार्ट हुआ है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं एंड एंगल की। जो आपका एंड का एंगल है, क्लिक करो, वो मेरा स्टार्ट हुआ 156 डिग्री के। अगर मैं 120 पे फिनिश करना चाहूं एंड, तो ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे, ये 120 डिग्री के एंगल पे फिनिश हो जाएगा। होपफुली आप समझ रहे हो इस चीज को। 180 पे फिनिश करेंगे, 180 पे फिनिश हो जाएगा। इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा हाफ से वो आपका टेक्स्ट को यहाँ पे बनाएगा। तो ये चीज अब आपके ऊपर, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है आर्क का ऑफसेट।
आर्क ऑफसेट पे आप जाओगे तो 0.35 to 3.25, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं इसे 1 करता हूं एंटर, तो आप देखोगे आर्क और टेक्स्ट के बीच का ऑफसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी आप करना चाहें आप उतना कर सकते हो। इसको आप माइनस में भी कर सकते हो, -5 करोगे तो कम आ जाएगा, -2 करोगे तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा ऑफसेट। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद है लेफ्ट ऑफसेट, कि लेफ्ट से कितना ऑफसेट चाहिए। मान लो मैंने लेफ्ट से डाल दिया यहाँ पे 2 का ऑफसेट, तो लेफ्ट से 2 के ऑफसेट पे स्टार्ट होगा। राइट से अगर मैंने डाल दिया 5 का ऑफसेट, राइट से 5 के ऑफसेट पे स्टार्ट होगा। तो ये चीजें आपकी जितनी भी बाहर है यही चीजें आपकी अंदर भी हैं। तो अब अंदर जाके कर लेते हैं। तो ARCT एंटर सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लिखा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट हाइट यहाँ पे हमने ली है, अब मैं इसको 1 कर सकता हूं, बाहर से भी कर सकता हूं। विड्थ फैक्टर जो मैंने यहां पे आपको बाहर बताया कि कितना आपको टेक्स्ट की विड्थ रखनी है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑफसेट फ्रॉम आर्क, जो मैंने आपको ऑफसेट फ्रॉम आर्क बताया कितना ऑफसेट चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने 1 रखा। लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वही वैल्यू आप यहां से भी डाल सकते हो और बाहर से भी डाल सकते हो। वो एक ईजी वे है आपके टेक्स्ट को करने का। ठीक है, अगर मैं इसको अब ओके करता हूं तो आप देखोगे इस तरीके से आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके फॉन्ट और कलर को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा और यहां से हम इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन डाल सकते हैं। यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट क्या चाहिए, और यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं बाई लेयर या जो भी आपको कलर चेंज करना है। आप यहां से कलर को चेंज करें, और कलर को चेंज करने के बाद आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पे लेंगे। ऑफसेट फ्रॉम मैंने यहाँ पे डाला मान लो 1 का या 0.5 का, और यहां से मैं इसका टेक्स्ट हाइट को 1 कर देता हूं। ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड ओके पे क्लिक करें तो आपका इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोबारा से आर्ट टेक्स्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब ये कुछ ऊपर वाले ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर। अगर आप रिवर्स पे क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो ओके करोगे तो वो टेक्स्ट आपका रिवर्स में आएगा, कुछ इस तरीके से। आप रिवर्स में अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है, दोबारा जाओगे आप क्लिक करोगे रिवर्स टेक्स्ट। आप यहां से फॉर्मेट पे जाके भी रिवर्स टेक्स्ट आप इसे अनचेक कर सकते हो अगर आपको रिवर्स नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद एक ऑप्शन है अलाइन टू लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, लेफ्ट अलाइन करोगे एंड ओके करोगे तो आप देखोगे ये लेफ्ट में आपका टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटर से ये लाइन्स को यहाँ पे क्रिएट करूँ रेडियस को और इसके सेंटर पे लेके जाऊं तो अब आप देखोगे ये लेफ्ट की तरफ अलाइन है आपका। ठीक है, अगर मैं इसी को एडिट करते हैं, अब एक ही चीज को एडिट करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो आर्क टेक्स्ट पे क्लिक करो, अब इस आर्क टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, इसको ही हम एडिट करते हैं। इसको क्लिक करके अगर मैं राइट अलाइन करता हूं और ओके करता हूं तो यही टेक्स्ट आपका राइट में आ जाएगा। क्लियर है, दोबारा सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं अगर करता हूं सेंटर अलाइन तो सेंटर अलाइन पे क्लिक करोगे ओके करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये वाला वर्ड बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में इस तरीके से आप आएगा, वो आप देख सकते हो। क्लियर है, और उसके बाद दोबारा से आर्क टेक्स्ट पे क्लिक करके सेंट इस पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फिट अलोंग द आर्क तो वो अलोंग द आर्क कंप्लीटली आपका वर्ड फिट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, आर्क टेक्स्ट एंटर सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ऑन कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड का मतलब आर्क के ऊपर आपका टेक्स्ट आएगा जो ऑलरेडी आया हुआ है, और अगर मैं ऑन कॉनकेव साइड कर दूं तो आर्क से नीचे आपका टेक्स्ट आएगा, कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट आर्क के नीचे आ जाएगा। ये चीज आप किसी पे भी एडिटिंग का कर सकते हो। मान लो ये वाला है, आप इसको क्लिक करो, अगर आप इसे करते हो यू ऑन कॉनकेव साइड तो इस पे क्लिक करोगे तो ये भी आपका नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो उसी को सिलेक्ट करके। कलर आप चेंज कर सकते हो कि कलर मेरे को यहाँ पे सियान चाहिए, ओके करोगे तो सियान कलर आ जाएगा। क्लियर, एक और चीज है कि अगर आप इस तरीके से भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये सीधा आएगा, और अगर आप करते हो यहाँ पे इनवर्ट टू सेंटर तो वो इनवर्ट टू सेंटर आएगा, तो सेंटर से इनवर्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। यहाँ पे एक रिवर्स है और एक है इनवर्ट, आपका इस तरीके से इनवर्ट हो जाएगा। आप जैसे जैसे चेंज करोगे आपको पता चलता जाएगा कि आप कैसे कैसे उस चीज को कर रहे हो, वो सीधा हो जाएगा इस तरीके से। बोल्ड करोगे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करोगे इटैलिक, अंडरलाइन करोगे अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे कर सकते हो, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इतने सारे तरीकों से आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट को कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन कंप्लीट रिवर्स
टेक्स्ट को छोटा करना, बड़ा करना, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। और ये काफी यूजफुल ट्रिक है जो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। बहुत जगह हमें जरूरत पड़ती है कि जब हमें आर्क पे हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है, तो इस तरीके से आप आर्क टेक्स्ट की हेल्प से लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।